मुझे फौज वाले भाइयों से उम्मीद नहीं था, आज तक आप लोगों से कभी भी अपने लिए मदद नहीं मांगा था, कसम से बता रहा हूँ। मुझे ही नहीं था कि दौड़ने वाले भाई ऐसे निकलेंगे। तो दोस्तों, नीलेश भाई को हेल्प की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा अर्जेंटली है। बेचारे का मोबाइल वोबाइल चोरी हो चुका है और उसका मैंने वीडियो देखा और भाई बहुत ही अच्छा है भाई, सबकी हेल्प करता है। मेरे से जितना हो पाया मैंने हेल्प किया उसको, और करीबन मेरे से 500 रुपये हो पाया मैंने उसको हेल्प कर दिया है। तो होपफुली आप लोग के पास जितना भी है आप उसको हेल्प करो, और देन उसकी वीडियो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। और मेरे को पर्सनली भाई का वीडियो देख के बहुत ज़्यादा खराब लगा। वीडियो देखिए और जितना हो पाए अगर आप मेरे को मानते हो तो उसको जरूर हेल्प करने की कोशिश करना। 1-2-3 रुपये, अगर 1 रुपये 100 आदमी दे तो भैया 100 रुपये होता है, ठीक है ना। अगर 5 रुपये दे तो 500 रुपये होता है। तो जितना आपसे हो सके आप हेल्प करो नीलेश भाई को, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम लोग हेल्प नहीं करेंगे तो फिर करेगा कौन मेरे भाई, ठीक है ना। प्लीज़ जाके उसको हेल्प करो। मैं घर में हूँ ही नहीं, मैं बाहर आया हूँ कुछ काम से, अब देन इसीलिए भाई हम फिर भी भाई का वीडियो देख के बहुत ज़्यादा खराब लगा, इसलिए बोला फटाफट भाई को आप हेल्प करो, जाओ जल्दी जल्दी अब भाई का वीडियो देखो आपको, ठीक है। और जितना हो सके आप लोग उसका हेल्प करो। मुझे फौज वाले भाइयों से उम्मीद नहीं था, आज तक आप लोगों से कभी भी अपने लिए मदद नहीं मांगा था, कसम से बता रहा हूँ। मुझे ही नहीं था कि दौड़ने वाले भाई ऐसे निकलेंगे। मैं अपने घर से निकला था, पूरा का पूरा ब्लॉग वीडियो बनाते हुए निकला था, और शायद 2-3 महीने बाद जाऊंगा। हिंद एवरीवन, 2-3 दिनों से मैं यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं बना रहा था, इसके पीछे का एक रीजन है मेरे दोस्त। अभी मैं अपना गांव घर छोड़कर काफी दूर आया हूँ, हरियाणा में हूँ। अभी प्रेजेंट टाइम मैं हरियाणा में हूँ। मेरा BSF का फिजिकल था, इसके पहले भी मैं फिजिकल देने आया था, उस टाइम मेरा दौड़ नहीं हो पाया था, ट्रेन भी लेट हो गया था, और कुछ कारण की वजह से जैसे टाइम से मैं फिजिकल नहीं दे पाया, तो दोबारा मुझे दौड़ के लिए बुलाया गया था। आज मैं दौड़ के लिए आया था, मतलब मेरा दौड़ भी निकल गया है, सब कुछ फिट है, फिजिकल क्वालिफाई कर चुका हूँ। लेकिन आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है यार, ऐसे साथी थे जैसे पता है हम लोग जिस रूम में सोए थे उसी रूम में बहुत सारे लड़के सोए थे। अपने घर से ब्लॉग बनाते हुए आया था, जैसे मैं सोचा था ना कि अब इधर से अपना अच्छे से तैयारी व्यारी करूंगा, घर मतलब 5-6 महीने बाद जाऊंगा। मैं आप लोगों को सारी चीजें ब्लॉग में दिखाया होता जब मैं दौड़ा नहीं था, उसके पहले का भी ब्लॉग बनाया था, अपने माता जी से मिला था उसका भी ब्लॉग बनाया था, अपना पूरा का पूरा गाँव मतलब दिखाया था। बारिश हो रहा था हमारे गाँव में, हमारे गांव में खेतों में जैसे धान उन रोपा रहा था, वो सारी चीजें जैसे मैं घर ही से बनाते हुए आ रहा था। और जैसे ही मैं यहां पर आया, मतलब एक दिन पहले ही मैं BSF का फिजिकल देने आ गया। बहुत सारे दोस्त थे, जैसे हमारे कुछ सब्सक्राइबर भी थे, कुछ लोग हमारा बहुत ज्यादा मदद भी किए, लेकिन कुछ लोग तो बहुत कमीने निकले यार। मुझे जो उम्मीद नहीं था आज वो मेरे साथ हो गया है, मैं क्या बताऊं भाई। कुछ लड़के थे जो हमारे साथ ही मतलब एक रूम में सोए थे, 7-8 लड़के थे, ज्यादा लड़के नहीं थे, और उस रूम मालिक को ना हम लोग मतलब 100-100 रुपया दिए थे। वो रूम मालिक किसी से भी आधार कार्ड नहीं मांगा था, कोई भी ID प्रूफ नहीं मांगा था। मैं अपना मोबाइल वहाँ पर चार्ज में लगाया था, और जिस मोबाइल से मैं अपना ब्लॉग बनाता था, वीडियो बनाता था, मेरा फोन पे मतलब सारा का सारा चीज उसी मोबाइल में था, और पता नहीं कौन मेरा मोबाइल ले लिया यार। अभी देखो मैं हरियाणा में ही हूँ और मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है, मतलब 2 घंटे से मैं इतना ज्यादा परेशान। सुबह में ही मेरा मोबाइल गायब हो गया है, मैं आज तक आप लोगों से कभी भी अपने लिए मदद नहीं मांगा था। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं नीलेश भाई गलत कर रहा है तो नहीं मदद करना, अगर आप लोगों को लगेगा ना कि नीलेश भाई के साथ कुछ गलत हुआ है तो आप लोग मदद जरूर करना यार। अभी मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मैं हरियाणा में हूँ, मेरे साथ पहलवान भाई है, रौनक भाई है, हमसे बता रहा हूँ यार। हम कभी सोचे ही नहीं थे कि दौड़ने वाले भाई ऐसे निकलेंगे। हमारे साथ जितने लोग सोए थे ना वो सब दौड़ने वाले भाई थे, लेकिन हमारा मोबाइल पता नहीं कौन चुरा लिया है। मैं सभी लोगों का बैग भी चेक किया हूँ, और जो मोबाइल चुराएगा वो बैग में थोड़ी के रखेगा, कहीं चुरा दिया होगा। और उसी में हमारा फोन पे था, गूगल पे था, और इतना ज्यादा पुराना फोटो था, इतना ज्यादा वीडियो था, मैं अपने घर से निकला था पूरा का पूरा ब्लॉग वीडियो बनाते हुए निकला था, लेकिन सब कुछ उसी मोबाइल में था, और मेरे पास अभी 1 भी रुपया नहीं है। अभी देखो मैं कहाँ पर हूँ, अभी मैं हरियाणा में ही हूँ, बहुत मजबूर होकर अपने दोस्त का फोन पे नंबर दे रहा हूँ। आज तक मैं कभी भी आप लोगों से मदद नहीं मांगा था, लेकिन आज आप लोगों से मदद मांग रहा हूँ भाई, इसका आप लोग गलत अर्थ नहीं निकालना यार। तो ये नहीं सोचना नीलेश भाई मतलब अब ये क्या करने लगा है, अब मेरे पास कोई रास्ता बचा ही नहीं है। मेरे घर वाले तो पैसा वैसे भी नहीं देंगे, क्योंकि मेरे पिताजी काफी दिनों से घर ही पर रह रहे हैं, यूट्यूब से 10-12 हजार रुपए मिलते थे, तो उसी से हमारा घर परिवार पूरा चलता था, और मैं भी अपना भर्ती वर्ती देखता था, मुझे जो कुछ भी करना रहता था तो उसी से करता था। प्रेजेंट टाइम में जिस मोबाइल से मैं वीडियो बनाता था वो मोबाइल ही चोरी हो गया, एक कैमरा है तो कैमरा से सिर्फ वीडियो नहीं बना पाऊंगा, सारा चीज मतलब मोबाइल से ही करता था, एडिटिंग करता था, हमारे पास कोई मोबाइल नहीं है मेरे भाई। इसलिए मैं सोचा हूँ अगर आप लोग मदद कर दोगे तो हो सकता है मैं अपना मोबाइल ले लूँ, और बहुत ज्यादा मजबूरी में आकर मुझे अपना दोस्त का फोन पे नंबर गूगल पे नंबर देना पड़ रहा है, और ये स्कैनर कोड भी है। अगर आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि नीलेश भाई को आज मदद करना चाहिए तो आप लोग मदद करना, अगर आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि नीलेश भाई को नहीं मदद करना चाहिए, नीलेश भाई गलत काम करता है, तो नहीं मदद करना मेरे भाई।
लेकिन गाली नहीं बकना, ठीक है ना, गाली नहीं देना। घर से 3 दिन पहले से ही निकल गया था, इसलिए मैं YouTube पर 3 दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था। मैं सोचा हूँ आप लोगों को सरप्राइज दूंगा, मैं सोचा हूँ BSF का दौड़ मारूंगा, हाइट फिट हूंगा, आप लोगों को डायरेक्ट बोलूंगा यार मेरा BSF का निकल गया, तो आप लोग भी सोचोगे यार हाँ चलो नीलेश भाई का एक दिन छूटा था, एक दिन दौड़ मार दिया। लेकिन सब कुछ चौपट, और कुछ दिन बाद जाएंगे क्योंकि तैयारी करना है यार। उधर यूपी पुलिस का भी भर्ती आ रहा है, इधर मेरा मोबाइल भी खो गया, इधर BSF का फिजिकल भी निकल गया है, और पैसे भी नहीं हमारे पास, मोबाइल तत्काल में खरीद नहीं सकते हैं। तो हो सके तो मदद करना, मदद नहीं कर पा रहे हो तो वीडियो शेयर कर सकते हो यार, हो सकता है आपके एक वीडियो शेयर से मेरा नया मोबाइल लिया जाए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होकर ये वीडियो बना रहा हूँ, कुछ लोग मेरा मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन से ही नहीं है। जब मेरा नया मोबाइल आ जाएगा ना तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, और जितना लोग भी मेरा मदद करोगे ना मैं लाइव आकर सभी लोगों का नाम भी लूंगा। और ये जो दोस्त का नंबर है ना 7607975525, तो इस पर आप लोग फोन करके ज्यादा परेशान नहीं करना मेरे दोस्त, तो ये दोस्त भी पढ़ाई कर रहा है, इसका भी SSCGD में पेपर निकला हुआ है, तो मेडिकल वेडिकल का तैयारी कर रहा है, इसको आप लोग ज्यादा परेशान नहीं करना। मेरा फोन पे नंबर, गूगल पे नंबर सब कुछ गायब हो गया, तो इसलिए मुझे अपने दोस्त का नंबर देना पड़ रहा है। अभी मेरा सर पूरा का पूरा दर्द कर रहा है, मैं आप लोग को रियल बता रहा हूँ, बहाना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह से मैं खाना नहीं खाया हूँ, और 5 किलोमीटर जब रनिंग किया ना तो उसमें भी मैं छठवां नंबर पर था, तो उसमें भी थोड़ा मतलब घींच कर दौड़ दिया हूँ, काफी दिनों से मैं दौड़ भी नहीं रहा था। तो मैं आप लोगों से दूसरा कुछ नहीं कहूंगा भाई, बाकी सारी बातें आप लोगों से अब बाद में करेंगे, अभी चलते हैं क्योंकि रौनक भाई पहलवान भाई इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों से बड़ा मेरे पास कुछ है ही नहीं, आप लोगों से बड़ा धन मेरे पास कुछ है ही नहीं, अगर मेरा कोई मदद करने वाला है तो आप ही लोग मदद करने वाले हो, आप लोग मेरा मदद कर सकते हो मेरे भाई, लेकिन जो जलन रखेगा वो मेरा मदद नहीं करेगा। जो कुछ भी था मैं आप लोगों को सारी चीजें बता दिया हूँ। मकान मालिक इतना आरामखोर था ना, वो रूम में CCTV कैमरा नहीं लगाया था, उसको CCTV कैमरा लगाना चाहिए, ना किसी से आधार कार्ड लिया था ना CCTV कैमरा लगाया था। जितने लड़के अगल बगल में सोए थे हम लोग भी सो चुके थे, पता नहीं कौन मोबाइल लेकर निकाल कर चला गया, सारा कुछ एक ही दिन में समाप्त हो गया। ये कहो मेरा ईमेल आईडी पासवर्ड बचा हुआ है, मेरा यूट्यूब वाला बचा हुआ, नहीं तो वो भी आज समाप्त हो जाता भाई, मैं आप लोगों तक ये पहुंचा भी नहीं पाता। मैं उस मोबाइल से अपने ईमेल आईडी को ब्लॉक करा चुका हूं, हटा चुका हूं, लेकिन मेरा फोन पे नंबर, गूगल पे नंबर सब कुछ वहीं से। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।